नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब निशान पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश साक्य है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी दूसरे के मोबाइल के फ़ोटो अपने मोबाइल में आप कैसे देख सकते हैं। आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसे आपको ध्यान से देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है और आपको वीडियो को पूरा देखना है। फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी रिलेटेड या फिर अपने फ्रेंड या किसी और के भी, अगर आप भी चाहते हैं उसके मोबाइल के फ़ोटो आप अपने मोबाइल में देख लें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिसके भी मोबाइल में चाहते हैं कि उसके मोबाइल की फ़ोटो हम अपने मोबाइल में देख लें, तो उसके मोबाइल में आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चले जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गूगल फोटोज़ का, आपको इस वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर कॉर्नर में थ्री लाइंस दिख जाएंगी, इस थ्री लाइंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसका ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसके मोबाइल की फ़ोटो आप अपने मोबाइल में देख लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देंगे, तो ईमेल आईडी देने के बाद आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सपोजली यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है, उसके बाद अपना पासवर्ड देने के बाद आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अब आपको क्या करना है। यहाँ पे इतना प्रोसेस करने के बाद आपको थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। फिर आपको चले जाना है नीचे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा ऊपर बैकअप एंड सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। इस पर अलाउ करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पर आपको बैकअप डिवाइस फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ पड़े हैं उन सभी को आपका अगर बैकअप लेना चाहते हो, तो इन सभी फ़ोल्डर को एक एक करके आपको अलाउ कर देना है। इन सभी को यहाँ से ऑन, इन सभी फ़ोल्डर्स को ऑन कर देना। आप इसके मोबाइल के वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो जो भी है, सारा कुछ, सारा का सारा डेटा आप अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में आप आसानी से देख पाएंगे। इन सभी को ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले आना है। चलिए, बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चाहते हैं उसके फ़ोटो या वीडियो देखना, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ को भी अलाउ कर देंगे और यहाँ वीडियो वाले, अगर आप उसके वीडियो भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो को भी अलाउ कर देंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर जो जिसके आप फ़ोटो देखना चाहते हैं अगर वो रोमिंग में भी जाता है, तो यहाँ पर आप रोमिंग वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। चलिए फ्रेंड, इतना सारा कुछ ऑन कर देने के बाद आपको यहाँ से याद रखें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारा कुछ जो मैंने प्रोसेस बताया है वो आप यहाँ से अपना अकाउंट ऐड कर लें। उस अकाउंट में ऐड करने के बाद अपने अकाउंट में ही जाने के बाद, जैसे इसका ये यहाँ पर अकाउंट लगा है, वहाँ पर पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पर लगाने के बाद आपको उसमें ये सारी सेटिंग्स करनी है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख लेंगे कि आपके ये जो सारी की सारी फ़ोटो और वीडियो की जो है, इनकी फाइल आपको अपने मोबाइल में देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप उसके मोबाइल के सभी फ़ोटो और वीडियो आप अपने मोबाइल में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। वंदे मातरम।